देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, हमने जो आज हेल्दी मूंगलेट बनाने जा रहे हैं, इससे हम तीन रेसिपी बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने ये पीली मूंग की दाल ले ली है, ये ऑर्गेनिक दाल ली है हमने, और इसको हमने 3-4 घंटे पानी में भिगो रखा है। ये देखिए दाल अच्छे से भीग गई है, अब इसको हम वॉश कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक ग्राइंडर ले लिया है, और इस ग्राइंडर में एक हम ग्रीन चिली डाल देंगे, और उसके बाद इन दाल को हम इसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, और इसको बारीक पीसना है एकदम। और पीसने के बाद इसको कम से कम 20 मिनट के लिए हमें रेस्ट देना है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें, एकदम बारीक पीसना है। ये बिल्कुल एक हेल्दी ऑप्शन है, जो बच्चे दाल नहीं खाते, दाल से पीछे भागते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, जो हमारी सामग्री जाएगी इसमें सब्जियां, ये कैबेज ले लिया है हमने बारीक कटे हुए, हरी मिर्च है, बारीक कटा हुआ प्याज है, बारीक कटा हुआ हरा लहसुन है, बारीक कटे हुए धनिया है। और ये देखिए दोस्तों, दाल हमारी बिल्कुल पिस गई है, अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए दोस्तों। ये देखिए गाइस, हमारे बिल्कुल बैटर रेडी हो गया है मूंगलेट का। अब हम एक बीटर की सहायता से इसको हमने 5 मिनट रेस्ट दे दिया है, अब इसको अच्छी तरह से हम एक फेंट लेंगे। जो अंडे का ऑमलेट नहीं खाते, अंडे यूज नहीं करते, उनके लिए ये हेल्दी ऑप्शन है, और ये उससे ज़्यादा ही न्यूट्रिशियस है, क्योंकि मूंग की दाल है, ये बिल्कुल नुकसान नहीं करती, बच्चे बड़े सबके लिए हेल्दी है ये, और इजी टू डाइजेस्ट है। इसको अच्छी तरह से फेंट लीजिए, और उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद हम इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल फ्लफी हो गया है। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, और सब्जियां जब हम इसमें दोस्तों ऐड करेंगे, तो ये ध्यान रहे कि सब्जियों में से ऑयल सॉल्ट की वजह से और स्पाइसेस की वजह से इसके अंदर से भी जो इसका नेचुरल वाटर है सब्जियों का, वो भी इसमें आएगा, तो पानी उतना ही डालें, नहीं तो रनी हो जाएगा। ये देखिए क्या फ्लफी हो गए हैं, ये देखिए, ये ऐसा काम है कि आपके बच्चे भी बिल्कुल खुश होकर ये करेंगे। अभी देखिए दोस्तों, हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हर्सल वेट करो, चलो मिक्स करो। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? ये हेल्दी ऑमलेट बनने जा रहा है, लेकिन ये ऑमलेट नहीं है, ये अंडे से नहीं बनेगा, बिल्कुल एक हेल्दी ऑप्शन है, इसका नाम है मूंगलेट, ये मूंगलेट बनेगा, ठीक है? फिर खाना पड़ेगा। देखिए बच्चे भी खुश होकर अच्छे से काम करते हैं। तो अब हम सब्जियां मिक्स कर लेते हैं थोड़े थोड़े। आइए देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा प्याज ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं, थोड़े से हम कैबेज डाल रहे हैं, थोड़े ग्रीन गार्लिक डाल रहे हैं, ये थोड़े हमने कड़ी पत्ते लिए हैं वो डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम धनिया डालते हैं, प्याज थोड़ा और डाल देते हैं, अच्छा ओनियन का क्रंच अच्छा लगता है, थोड़ी सी वेजीज डाल देते हैं। ये देखिए हमने ये डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स करना बेटा। ये देखिए गाइस, हमारे मूंगलेट बैटर का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे एक मूंगलेट काठी रोल बनाने जा रहे हैं, जो बिल्कुल होममेड हम चपाती से बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पैन में थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लिया है, और इसमें हम थोड़ा सा अपने ये जो चपाती है उसको हम थोड़ा सा सेक लेते हैं, ये देखिए गाइस, और इसके बाद हम इसके अंदर जो हमारा मूंगलेट का बैटर है वो हम स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से, ये देखिए इसी चपाती पे, और बिल्कुल थिन लेयरिंग की कोटिंग करें दोस्तों, ज्यादा एक्सेस ना डालें। हमने यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा वेजीज भी डाला है, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आप इस पे स्प्रेड कर लीजिए इवनली। अगर आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसमें तंदूरी मसाला डाल रहे हैं, आपके पास अगर कोई फिलिंग हो, अगर आपके पास जैसे पनीर माखनी बचा हो, पनीर टिक्का हो, तो वो भी आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ भी नहीं है अभी, तो जो सिंपल होममेड चीजें हैं उसी से मैं बना रहा हूँ। तो हमारे पास ये पेरी पेरी मसाला है, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसके साथ हम इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स भी लगाएंगे, आप चाहें तो कुक करके लगा सकते हैं और बिना कुक वाले भी लगा सकते हैं। ये देखिए हम अभी हमारे मूंगलेट को पलट लेते हैं। यस,
द कलर गाइस। अच्छी तरह से आप इसको पकाइए, जो मूंगलेट वाली साइड है उसको आपको अच्छी तरह से पकाना है ताकि वो अनकुक ना रहे, इवेनली चारों तरफ से पके। और इसका लिड नहीं लगाएं दोस्तों, अदरवाइज क्या है, जो हमारा ये तोर्तिला है, रोटी है जो उसका बेस है हमारे इस काटी रोल का, वो जो है सोगी हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। चलिए दोस्तों, लगभग एक मिनट हो गए हैं और ये इजिली हिल रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब हमारे मूंगलेट अच्छे तरह से पक गए हैं। हम इसको फ्लिप कर लेते हैं। वाओ, सी द कलर गाइस, क्या खूबसूरत तरीके से हमारा कलर आया है। अब हम इस मूंगलेट से हमने रोल बनाते हैं, इसको हम बाहर निकाल के देखिए गाइस, हमारे एक बैच रेडी हो गया है। हम अपने दूसरे बैच को भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इजिली आप अच्छे से कोट कीजिए, देखिए इवनली लगाइए अच्छी तरह से। इसमें भी हम अपने पेरी पेरी मसाले को डस्ट कर देते हैं अच्छी तरह से, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और उसके बाद दोस्तों इसको हम पलट लेते हैं बहुत सावधानी से। देखिएगा इस क्या खूबसूरत तरीके से ये भी हमारा रोल रेडी हो गया है। तो हम इन दोनों रोल की हमारी प्लेटिंग की तैयारी करते हैं, तो चलिए प्लेटिंग करते हैं। देखिए गाइस, हमारे दोनों तोर्तिलास रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें हमारे सॉसेस लगा देते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सेजवान सॉस लिया है, सेजवान सॉस की एक लाइन कर रहा हूँ इसमें। ऑलरेडी इसमें हमने पेरी पेरी मसाला डाला है, तो ज्यादा ओवर पावर हम इसको नहीं करेंगे। इसके साथ हम इसमें ये बारीक कटी हुई कैबेज लगा रहे हैं दोस्तों। ये ऑर्गेनिक कैबेज है, आप रेगुलर कैबेज भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको कुक करके लगा सकते हैं, हल्का पका ले इसको, टॉस कर ले, उसके बाद आप इसको प्लेटिंग करें। इसके साथ ही हम दोस्तों इसमें स्लाइस कैप्सिकम रख देते हैं। ये देखिए, ये काफी सुपर हेल्दी है, बच्चों को टिफिन में भी अगर आप देंगे बना के स्कूल्स में। अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो बच्चों की इम्यूनिटीज कैसे बढ़ाएंगे, तो आप उनको खूब वेजेस खिलाइए। ये देखिए स्लाइस, मैंने यहाँ पे ऑनियंस भी रख दिए हैं इसके अंदर। थोड़ा सा हिंदुस्तानी खाना हम बना रहे हैं तो थोड़ा धनिया का टीका तो जरूर होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा हम लेमन जूस स्क्वीज करके डाल रहे हैं, है ना दोस्तों। याद आ गई आपको फीलिंग, जो एग रोल आप खाते हैं मार्केट में, दुकान पे खड़े होके, लारियों पे खड़े होके, छोटे छोटे कार्ड्स पे खाते हैं, वो कैसे बन रहा है, क्या है। जो वेजिटेरियन है हमेशा सोचते हैं कि काश हमारे पास भी कोई ऑप्शन हो जो हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास एक हेल्दी ऑप्शन है, हमारे पास कुछ बीटरूट के क्रस्ट हैं, वो भी हम इसमें स्प्रिंकल कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सॉसेस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड चिली सॉस जो है हमारा स्वीट चिली सॉस है, वो हम इसको स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी पेरी पेरी मसाला और सिजवान सॉस है तो आप इस चीज का ध्यान रखें। हमारे पास दोस्तों एक टिश्यू पेपर है, उसके अंदर देखिए ऐसे आप उसको बिछा लें अच्छी तरह से, और उसके बाद आप इसको इजिली रैप करें। ये देखिए, ये फर्स्ट फोल्ड है दोस्तों, ये फर्स्ट फोल्ड रखिए और ये सेकेंड फोल्ड, और इसको टिश्यू पेपर की सहायता से ऐसे रैप कर दीजिए, है ना दोस्तों। कितना आसान, या तो आप इसको ऐसे रैप कर लीजिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसके अकॉर्डिंग रैप कर दीजिए। ये देखिए, है ना हेल्दी, एक सुपर हेल्दी। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में देंगे तो बच्चे बिल्कुल दिल खुल के खाएंगे, दिल खुश हो जाएगा उनका, और अच्छी तरह से आपको ये कहेंगे कि वाह मम्मा आज तो मजा आ गया। ये एग रेसिपी से भी, अंडे रोल से भी अच्छी लगेगी दोस्तों ये, क्योंकि ये हेल्दी है, मूंग से बनी है, मूंग की दाल हेल्दी होती है, तो आप इसको जरूर अपने डाइट में शामिल करें। चलिए हम अपने दूसरे रोल की भी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बार वापस मैं बता रहा हूं आपको इसकी प्लेटिंग कैसे करनी है। ये पहला फोल्ड है और ये दूसरा फोल्ड है। आप अपने रोल को, ये टिश्यू पेपर लगाते इसलिए दोस्तों कि जो रोल का जो लास्ट पार्ट है वो ओपन होता है, तो जब आप खा रहे हो या आपके बच्चे खा रहे हैं तो उनकी ड्रेस खराब नहीं हो, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। ये देखिए, हमारे
दोनों तोर्तिला रोल्स तैयार हो गए। तोर्तिला बोल दीजिए, रोल बोल दीजिए, मूंगलेट रोल बोल दीजिए, हेल्दी मूंग रोल बोल दीजिए। अंडा नहीं है, मूंग का अंडा है। ऑमलेट नहीं है, मूंगलेट है। तो हेल्दी है ना दोस्तों। चलिए अब इसकी खूबसूरत सी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया है। अब उस पर हम अपनी फ्रेंकिस को ऐसे ही सजा लेते हैं। ये देखिए है ना खूबसूरत।